एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। पंकज, ये राज्य सरकार की तरफ से जो निर्देश जारी किए गए हैं, कुछ म्याद भी तय की गई है क्या, कब तक खाली कराए जाने हैं ये धरना प्रदर्शन? जी हाँ रोमाना, इसमें जो डेडलाइन दी गई है वो ये है कि अंधेरा गिरने से पहले, मतलब आज शाम से पहले, जहाँ जहाँ भी यूपी में, खासतौर से पश्चिमी यूपी में जहाँ भी किसान धरने पर बैठे हैं, उन सबको कहा गया है कि आप अपने अपने घर गांव वापस लौट जाएं। इसके लिए जो यूपीएसआरटीसी की बसें हैं वो भी लगा दी गई कुछ जगहों पर कि आप इन बसों से फ्री में अपने अपने घर पर चले जाएं। देखिए, आपको याद ही होगा कि कल नोएडा बॉर्डर से किसान वापस बुला लिए। मैं जरा सा आपको रोकूंगी और आप ही से समझना चाहूंगी कि आप ये कह रहे हैं कि यूपी सरकार की तरफ से बाकायदा किसानों को फ्री सर्विस दी जा रही है, धरना स्थल पर सरकार की तरफ से बसेस लगा दी गई हैं कि किसान उसमें सवार हों और वापस अपने अपने घर जाएं और जो धरना स्थल है उसको खाली करें, फ्री सर्विस दे रही है राज्य सरकार? जी हाँ बिल्कुल, अभी जैसे गाजीपुर बॉर्डर पे, जो गाजियाबाद से लगा हुआ दिल्ली का बॉर्डर है, वहाँ पे बसें लग गई हैं, कुछ किसान बैठने भी लगे हैं। कल रात तक वहाँ 3,500 किसान थे, अभी 1,200 के करीब में किसान हैं, वो सब घर लौटना उनका सिलसिला शुरू हो गया है। और कई जगहों पर याद ही होगा रोमाना, कल नोएडा का बॉर्डर खाली हो गया था, किसान जहां धरने पर बैठे थे, भारतीय किसान यूनियन के बानूगुट, बागपत में, मथुरा में, आगरा में, इन सभी जगहों पर किसानों ने अपना धरना खत्म कर दिया है। आज शाम तक बाकी जिलों में भी धरना खत्म हो जाएगा, ऐसा सरकार की कोशिश है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। पंकज बता रहे हैं किस तरीके से उत्तर प्रदेश में निर्देश दे दिया गया है उन जिलों के डीएम को जहां पर किसान अभी तक धरना प्रदर्शन कर रहे थे, कि धरना स्थल खाली कराया जाए और फ्री सर्विस राज्य सरकार की तरफ से किसानों को दी जा रही है, बसेस लगा दी गई है। गाजीपुर बॉर्डर में भी किसानों से गुजारिश की जा रही है कि बस अब हटिए, खाली कीजिए आप इस जगह को। कई किसान बैठना भी शुरू हो गए उन बसों में। ABP News, आपको रखे आगे।